पानी पी, पानी खा देती हूँ, पहले बोलेंगे यार लापरवाही मत कर। दीपक ऐसी चलाई हो यार, बोल रहा हूँ चद्दर वद्दर सर पे ना चढ़ जाए ठंडा, ताकि इसको थोड़ी ना घबराहट कम हो। कि मैंने एक साथ दवाइयाँ ले ली ना, तड़का वड़का लगा रही है, पैरों में सूजन, झगड़ा हुआ घर में इस बात को लेके। सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए ब्लॉग बंद कर दूँ, दिन बहुत अच्छे से निकल जाए लड़की के। सास नहीं ले जाती मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं दोपहर के 5 बजे, क्योंकि आज सुबह से हम लोग बिजी थे, घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं, जैसे कि चीकू के पापा के फ्रेंड्स भी आए हैं और पापा आए हैं और कन्नू आया है। तो कन्नू और चीकू और चीकू के पापा गए हैं अभी टेस्ट ड्राइव पे रैंगलर की, और हम लोग घर पे हैं अभी। तो मेरा गाइस बिल्कुल बोलने का बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, पेट इतना बढ़ गया है ना, बैठने की हिम्मत होती है ना बोलने की हिम्मत होती है, सांस चढ़ने लग जाती है। तो बस वेलकम आपका मैंने कर दिया। तो गाइस दवाइयां देख लो पहले, मेरी इतनी सारी दवाइयां हो गई है, क्योंकि इसमें खांसी की ऐड है, आयरन ऐड है, मेरी लीवर की ऐड है, और इसमें ये फॉलिक एसिड, मतलब इतनी सारी गोलियां हो गई है मेरी अब एक टाइम की। अब मैं सुबह की खा रही हूँ, शाम की पता नहीं कब खाऊंगी। पायल जैद आजकल इतना तंग करने लग गया ना, मुझे इतना तंग करने लग गया, ये लगा ले कि कल 5 बजे ये लड़का उठा था, ठीक है, मुझे अच्छे से पता, जब भी उठते मैं टाइम देख लेती थी, मुझे पता 5 बजे उठा, और दीपक ये 7:45 तक जाग रहा था, 7:45 तक। तो ना गाइस क्या हुआ था, मैंने ना इसको ना सुला दिया, इसको ना दिन में सोने की इसकी आदत कम कर, दिन में खेलते रहो इसके साथ। अब इसको अभी सो रखा दूं क्या, इसके साथ दिन में खेलो, इसको रात को सुलाओ, तुम कभी नींद ठीक होएगी। दीपक की गलती है सारी, दीपक तो इसने क्यों नहीं खेलता, मैं इसको रेडी करूं, खेलूं, खेलना थोड़ा सा। रात को मैं खेला था, आपने कहा जगा दिया, जगा दिया। रात को कौन खेलता है, दिन में खेलता है, रात में बच्चे का सोने का टाइम होता है, हम सब जग रहे थे ना इसलिए जगा। मेरे को लग रहा है पहले ऐसा है, सब सारी यही बोलते हैं कि सुबह का बच्चा है ना। मेरा चीकू बिल्कुल तंग नहीं करता, बिल्कुल भी तंग नहीं करता था, उसके टाइम में मैं बता नहीं लगा कि कब पल गया वो, कब पल गया। एक काम करो, कोने की आदत डाल दे यार, अंगूठे में डाल दे यार, वो अंगूठा नहीं पीता, जब उसको भूख लगती है चीज कर ऐसे करते हैं, उंगली पी रहे अंगूठे की आदत कैसे डालू, उंगली हटा के अंगूठा डाल दू। उसको दिन में जितना हो सके ना, दिन में उसको जगा, रात में सुला। अच्छा, जो कोई काम तो है नहीं, खेलती रहे अगर उसके साथ, काम कर, दो बच्चे आने के बाद तीनों एक साथ छोड़ दिया करिए, अपने आप खेलते रहेंगे, अपने आप है, हम बाहर चले जाएंगे, अपने आप खेलते, अपने आप एक रोएगा दूसरा छुपेगा, एक रोएगा दूसरा छुपेगा, ऐसे तीनों की नींद नहीं होगी। हाँ। रात को फिर अलग अलग कर देंगे, ये भी अच्छा आइडिया है। कल रात को ना गाइस मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, पहले है मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। रात को मैं बहुत ज्यादा नींद में थी, ठीक है, तो जब मैं सो रही, मैं ना पीछे ना हाथ करके सो रही, अचानक से मेरे को ऐसे लगा मेरा हाथ कटा है, तो देखा मेरा हाथ कटा हुआ था, देख हाथ कैसे कटा हुआ, तकिए के नीचे चाकू रख के सोती हूँ कि बुरे सपने ना आए। और वो चाकू ना जैद के लिए तो मैं क्या करती हूँ, चाकू को कपड़े में लपेट के, पन्नी में लपेट के कोने में रखती हूँ, ताकि उसको गलती से भी ना हाथ लगे। मेरे को खुद का तो बंदा इतना सोचता नहीं है, बंदा यूनिक, आइडिया भी महंगा सस्ता होता है। वाह भाई वाह, तू पहली बार, मैंने पहली बार सुना, यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, मजेदार होता है, एक्सपेंसिव आइडिया। वाह दीपक, वाह तू और तेरी इंग्लिश। तो ये वाली जो चाय है ना गाइस, मम्मी ने बनाई है, क्योंकि ना शांति रोली बहुत ज्यादा इतना चाय में मीठा डालते हैं, मम्मी पापा इतना मीठा चाय नहीं पीते, शुगर है ना, शुगर है, तो मम्मी कह रही आज चाय सही लग रही है। क्या हो रहा है पायल, सांस लेने में प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है क्या? तो गाइस पिछले 15 मिनट से ना पायल को ऐसे हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने इसको बोला रेस्ट कर रेस्ट कर, अभी लेटी हुई थी बाहर आई, मेरी घबराहट सी हो रही है, घबरा, खिड़की खोल दूं? हैं पायल होंठ सूख रहे पूरे, पानी, दीपक पानी लेके आई हूं, अभी पापा मम्मी जस्ट अभी 10 मिनट पहले गए हैं, उससे हो रहा था, पेट भी बैठा भी नहीं जा रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खिड़की खोल दूं, हवा हवा खानी है क्या, बाहर लेके चलो बालकनी में, और छत पे चलो क्या, छत पे कैसे चलेगी, क्या घबराहट हो रही है आपको? हां पीले पकड़ पानी पी, खिड़की खोल लेते, नींबू पानी लो, नींबू पानी पियोगे, पानी पी, पानी, नींबू पानी, चीकू के पापा को उठाऊं? नहीं नहीं, वो सुबह से उठे हुए हैं गोलू 6 बजे से। नितिन का यार, नितिन भैया चंडीगढ़ गए हुए हैं, हुडा भैया भी नहीं है, जग्गा भैया छुट्टी पर है। ओह यार, और किस चीज, तुम्हें तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, मैं बुठा देती हूँ, कोई बात नहीं इनको। नहीं नहीं बोलो यार, अभी अभी पापा मम्मी गए, कन्नू की गाड़ी थी, तब तक तो ठीक थी, एक काम करना पानी तो पिए पायल, थोड़ा सा पानी पी लो पहले, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तुझे देख के, तो मुझे मेरी तबीयत खराब से लगने लग जाती है, पानी तो पी बाबू, रैत के पर रोली बैठी हुई है ना, ठीक है, टांगे सीधी कर लो पहले, डॉक्टर को कॉल करूं, नूपुर मन के पास चले, बीपी तो नहीं लो गया, पता नहीं बीपी चेक कर, नहीं बुखार नहीं है, खांसी की वजह से भी हो रहा है, एक बार पूछूं क्या हॉस्पिटल में, नूपुर मैम का पूछ, इससे सांस क्यों आ रही थी, कोई इतनी, पानी पी, पानी तो पी, पानी, नींबू पानी बनवा दूं, लिमका मंगवा दूं, चीनी पानी का घोल ला दे, जो जला दे। हाँ जी मैं कृतिका बोल रही हूँ, हाँ जी मैं नूपुर मैम बैठी हुई है क्या, अच्छा कोई और वैसे गायनी बैठी है, वो पायल को थोड़ा ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं गायनी के डॉक्टर को इस टाइम
कोई नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर है, अगर प्रॉब्लम है तो आप ले आओ मैम को। चलो ठीक है ठीक है ठीक है मैम, ओके। वो कह रहे हैं नूपुर मैम नहीं है, बट आज वैसे ड्यूटी वाले डॉक्टर तो होते हैं, ड्यूटी डॉक्टर तो हैं। गाय नहीं, मना कर रहे, गाय नहीं है। मैं इनको उठा देती हूँ, पहले बोलेंगे यार। नहीं अभी को लूँ तो अभी 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 सोए थोड़ी देर पहले। काम कर, चीनी पानी का घोल एक ला दे, ला दे दीपक। मूवमेंट हो रही है? हाँ मूवमेंट तो हो रही है। दवाइयाँ खाइए, एसिडिटी सब कुछ खाइए। खाई है मैंने आज दवाई। आपको भी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना? मेरे को तो 9वें महीने मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। 9वें महीने में हो रहा था, मेरी बहुत हालत खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा। 9वां महीना शुरू होते ही तेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया? नहीं। कितना टाइम है? 34 वीक्स 6 डे का मतलब एक हफ्ता बचा है अभी तो। ये ले पानी, चीनी पानी का घोल, ये इसको छोड़ पी के दे। बीपी लो हो रहा शायद, उस वजह से सांस की हो रही है। यार लापरवाही मत कर यार पायल, चल मैं अभी इनको उठा देती हूँ। मूवमेंट तो हो रही है, देख मूवमेंट पता चल रही है मुझे, मूवमेंट तो हो रही है। पानी तो पी पायल, हिम्मत थोड़ी कर बेटा। हाँ गर्मी लग रही है बहुत, एसी चला दे। पायल मुझे नहीं लगता तेरे दिन निकलेंगे। कितने, 18 दिन बचे हैं? 17 पता नहीं अभी, 17-18 दिन बचे नहीं निकलेंगे पायल, मुश्किल हो रहा है। एक बार मैं कह रही हूँ, मैं चीकू के पापा को उठाती हूँ, एक बार गायनी है कोई भी बैठा हो ड्यूटी डॉक्टर। गर्मी लग रही है, गोली एसी, मेरे को टेंशन सी हो रही है। दीपक एसी चलाइयो यार, चीनी पानी से भी कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं। चल फिर के देख के आप पता सही लगे। हवा खोल, हवा ले ले बाहर की, खिड़की खोल दे। वाली सेम वही हो रहा है, मुझे हो रहा था। मैं तो कोई याद है जब सुबह सुबह हॉस्पिटल भागी थी? मेरे को दर्द नहीं हो रहा गोलू, मेरे को सांस में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द भी नहीं हो रहा। यार मैं भी ठीक नहीं हूँ यार, मैं जिसको संभाल सकूँ। मैं भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दर्द नहीं हो रहा कहीं, घबराहट सी हो रही है। मेरे को लेट ना, लेट लेट टू लेट, पैर सीधे कर ली। मैं एक बार इनको देख कर आऊँ क्या? कमरे से है नहीं, अभी थोड़ी देर में गोलू उठ जाएंगे, इनको मत तंग कर। क्या पता थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँ मैं। हट वो लाऊं चादर वदर? नहीं घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं। एसी चल रहा है ना अभी? गर्मी से हमारे पास वो भी नहीं है ना, बीपी बीपी कुछ पल्स पल्स चेक करने को। दीपक इसे पैर दबाएगा, पानी ले, पानी थोड़ा नॉन ठंडा पानी है, सही रहेगा। पी के देख, बर्फ डाल के दे दे, सर पे ना चढ़ जाए ठंडा। पाय लापरवाही मत कर, चल ले एक बार। डॉक्टर नहीं है गोलू, क्या ड्यूटी डॉक्टर भी तोड़ते मैं ही नहीं घर में, सब चले गए। मेरे को बोलेंगे कि ते मेरे को नहीं उठाया ये वो है। अभी सहन हो रहा है मेरे से, सहन नहीं हो रहा। मैं बोल दूँ उठा दी, बर्फ डाल दी पानी पी थोड़े से। तो घबराहट से अलग मुझे और हो रही है। नींबू पानी, ग्लूकोज पानी कुछ भी ना आ रहा है इस बार घोल। तो गाइस मैंने ना सारे कमरों के एसी चला दिए, मेरे वाला जो रूम है ना उसका एसी चल नहीं रहा है। तो मैंने आज फोन किया था वोल्टेज में, बट संडे था तो उसकी वजह से भैया आ नहीं पाए, तो कल आएंगे। बाकी पायल के रूम का, ये वाले रूम का सबका एसी चला दिया ताकि इसको थोड़ी ना घबराहट कम हो। तो गाइस कल ना रोली ने छुट्टी ले ली थी बिना बताए, और आज शांति ने ले ली है। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है चीजें मैनेज करना, क्योंकि मेरे साथ क्या है, जैद बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं भी किचन में नहीं जा सकती, किचन का कोई काम नहीं कर सकती। और अभी पायल की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं बार बार ना जैद को किसी ना किसी के बिठा के फिर पायल के पास जा रही हूँ। कोई भी नहीं था इसके पास, तो मैं इधर आके बैठ गई हूँ। एक बार तो देख कर रही हूँ पायल को। हाँ जी जा रही हूँ। अब कैसे लग रही तबीयत? बस घबराहट नहीं हो रही, बस सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ दवाइयों से अंदर गर्मी गर्माश हो गई है शायद, क्योंकि मैंने एक साथ दवाइयाँ ले ली ना सारी, खांसी वाली भी ले ली सारी, और आयरन वगैरह जो मेरी चल रही थी वो सारी एक गुच्छा बना के खा लिया मैंने, गलती कर दी शायद, उसी से मेरे सांस में दिक्कत हो रही है। सच में गाइस ट्विन प्रेगनेंसी को मैनेज करना बहुत 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 ज्यादा बड़ी बात है, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना। लास्ट टाइम मेरे को, मेरा याद है, जो बंदा जो चीजें फेस करता है ना खुद वो बता सकता है। जब लास्ट टाइम मेरा चल रहा था ना 9वें महीने स्टार्ट हुआ था, तो मुझे वॉशरूम का प्रेशर इतना आता था क्योंकि बिल्कुल ना नीचे बाहर पड़ गया था। तो पायल का तो डबल प्रेशर है, और सच में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मम्मा की तबीयत खराब हो रही है, सांस नहीं आ रहा, पूछ जल्दी पूछो क्या। भैया मैं इतनी देर से आपका वेट कर रही थी यार, आप चंडीगढ़ गए हुए थे, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसको सांस नहीं आ रहा, क्योंकि पापा को उठाने नहीं है ये। चल पायल, भैया आ गए, चल। चलो ना अभी, फिर डॉक्टर नहीं है भैया, फोन कर लिया और चल दें, और कहीं थोड़ी जा सकते हैं, ड्यूटी डॉक्टर तो होते हैं पायल। सांस की दिक्कत है और कुछ नहीं है। पायल ना बाहर लेटी हुई है, जैद उठी है, तो जैद चीकू बोल रहा है मम्मा मैं जैद को संभाल लेता हूँ। तो यहाँ पे चीकू जैद को संभाल रहा है। बेटू कहाँ हुआ था? रोई रोई को गली थी, को गली थी मेरी छोटी बच्ची। मम्मा पिंक कलर का पहना रखे, जब भी तो रो रहा है। बेटा पिंक कलर की बनियान पहना रखी, क्योंकि है ना बच्चों की बहुत सारी बुनियान का कलर आता है, छोटा ग्रीन आता है, पिंक आता है, लेड आता है, ब्लू आता है। आपने भी येलो पहना है, आपके भाई ने भी येलो टोपी पहनी है, टोपी पहनी है ना। हाँ दोनों ने सेम सेम पहना है येलो येलो। कल चीकू को स्कूल जाना है जैद, है कौआ मन नहीं है स्कूल जाने का, बेटा जाना पड़ेगा। ऐसे जैद अभी
सो रहा है कुछ टाइम बाद जैद भी बड़ा हो जाएगा, उसको भी स्कूल जाना पड़ेगा। क्या शश के पैर, पहले तो ये बाहर जाएगा किसी कर दो स्कूल, किसी कर दो। क्या लात मार रहा है बेटा, ये लात मार, पेट में भी था ना मेरे को याद है, ऐसे 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 आवाज आती थी, मैं कहती लात मारे लात मारे भाई बहन। तो ये वही था, यही बच्चा था जो मम्मा को लात मारता था पेट में, यही बच्चा था। हाँ जी। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डिलीवरी कल परसों में करवानी पड़ेगी, मेरे से बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा प्रेशर पेट का, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। कल अल्ट्रासाउंड करा के मुझे लग रहा है मुझे एडमिट होना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, एक दो दिन में डिलीवरी करानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो गाइज जैद उठ गया था काफी देर से रो रहा था, तो मेरे को चुप कराना पड़ा, फीड कराया, अब उसको मैंने सुला दिया, उसका मॉस्किटो वाला जो नेट है वो भी लगा दिया है, अब वो सो गया है। तो बस अब पायल का भी ना थोड़ी सी तबीयत पहले से बेटर लग रही है, इसे बोला मैंने कुछ खा पी ले, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ खाने पीने का। यहाँ पर चल रही है रात के खाने की तैयारी, तो आज बन रही है आलू गोभी, बस लक्ष्य ने सारी तैयारी जो कर ली है, तड़का वड़का लगा रही है, और इधर आलू भी छिलके रख दिए है और उधर गोभी भी धोकर निकाल दिए पानी से। तो जैद के जो कपड़े थे ना वो सारे के सारे ना मैंने इधर रख दिए थे, और इन कपड़ों को लपेटा नहीं मैंने क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उस कपड़े लपेटने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बस अभी ना थोड़ी देर में फ्री होती हूँ तो ये सारे कपड़े जो है ना ये लपेट के रख देती हूँ। और जैद ना रात को मतलब कि कल रात को 5 बजे के करीब उठा था और 8 बजे सोया था, तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुआ, सुबह से टाइम ही नहीं मिला नींद पूरी करने का, अभी तो आराम से सो गया है। तो बस थोड़ा बहुत घर का जो काम हुआ मैं वो देख कर फिर मैं भी इसके साथ लेट जाती हूँ। दीपक इनको नारियल पानी दिया या? हाँ दीदी चल ठीक, फुल वर्कआउट चल रहा है ऊपर। हाँ वो आज बादल भैया आए हैं ना तो उनका फुल वर्कआउट चल रहा है। बोलू मैं कल जा रही हूँ डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करा के हॉस्पिटल एडमिट हो रही हूँ। मैं तो देखो यही बात बोल रही हूँ पायल, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा और के डॉक्टर के पास चली जाओ। अच्छा एक बात बता गाइज, मेरी ना सच में तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी 9वें महीने के अंदर, मेरी जो डेट थी ना वो 27 अप्रैल थी, 27 से 13 अप्रैल हुई, 13 अप्रैल से 10 अप्रैल हुई, बट मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चली गई 6 तारीख को, क्योंकि मेरी ना इतनी हालत खराब हो रही थी मैं चली गई। अपना जब भी आपकी हालत खराब हो टाइट हो ना तो डॉक्टर के पास निकल लो, घर बैठे बैठे ना तुम्हें देख कर ना दूसरा बंदा ही परेशान रहता है कि यार इसकी हालत खराब है और मैं कुछ कर नहीं पा रही इसके अंदर, क्योंकि मेरा दिमाग जैद की तरफ भी है, घर की तरफ भी है, पायल की तरफ भी है। अच्छा एक बात बता, मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैंने वेट करा नहीं करा ना, मैंने बोला ना मुझे एडमिट होना ले चलो मैं, पर मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ ना गोलू, कब से 2 तारीख को अल्ट्रासाउंड कल करवा ली। अल्ट्रासाउंड में अगर बेबी का वेट ठीक आया ना गोलू, हाँ कम से कम 2.5 किलो के तो होने चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, 2 किलो के बच्चे नहीं 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 पालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा निक्कू में रखेंगे 10-15 दिन। सही बात है, मैं अगर चल कोई नहीं मेरे से मेरे को झेलना पड़ रहा है, बच्चों को दोनों झेलना पड़े। सही बात है, पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगी कल, अल्ट्रासाउंड में सब सही रहा परसों जाके या कल ही एडमिट हो जाओ। तो गाइस मेरे साथ भी यही था, मेरा ना अल्ट्रासाउंड हुआ था और अल्ट्रासाउंड में ना बेबी का वेट आया था 3 किलो 100 ग्राम, तो जब मैंने डिलीवरी हुई तो 3 किलो 300 ग्राम का हुआ था जैद, डॉक्टर ने बोल दिया था बिल्कुल ठीक वेट है आप कभी भी आ सकते हो, बस पायल का भी कल अल्ट्रासाउंड हो जाए, वेट का पता चल जाए, ग्रोथ का पता चल जाए और बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर को देखनी होती है वो पता चल जाए, तो फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं। मम्मा मैं जैद के साथ सोना, ठीक है बेटा आपका भाई आप जहाँ मर्जी सो, ठीक है यहाँ पे सोगे, ठीक है सो जाओ, पर मैं मम्मा एसी नहीं चलाती बेटा, फैन नहीं चलाती है। तो गाइस अभी ना पायल की प्रेगनेंसी ऐप चेक कर रही हूँ, उसमें 34 वीक 6 डेज दिखा रहा है, ठीक है, तो कल इसके ना 35 वीक स्टार्ट हो जाएंगे, तो 6 दिन बाद इसका मतलब लगा लो पूरे 6 दिन बचे इसका 9वां महीना शुरू होने में। तो पायल को बोल रही हूँ कि बाबू 6 दिन कंट्रोल कर ले, क्योंकि ना देखो बोलते हैं 8वें महीने को अच्छा नहीं बोलते हमारे में, उसको अनगिनत बोलते हैं महीने को, उसमें बेबी होना अच्छा नहीं होता, तो बस 6 दिन की बात है, 6 दिन जैसे जैसे कंट्रोल कर ले और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि पायल अगर डिलीवरी करा भी रही, क्योंकि सी सेक्शन में ना क्या होता है आप खुद करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ना मन में वहम होता है 8वें महीने का, तो पायल वो खत्म हो जाए 9वां लग जाए फिर करवा लियो। मैं तो 5 तारीख तक भी रुक जाऊँ मुझे दिक्कत नहीं है, पर मेरे वही है ना प्रेशर बहुत पड़ रहा है पेट पे, बहुत ज्यादा इतना यूरिन पास कर रही हूँ ना, इतना पानी नहीं पी रही, देख होंठ सूख रहे हैं क्योंकि बॉडी में पानी बच ही नहीं रहा है, इतना यूरिन आ रहा है मेरे को। तो गाइस जब से पायल की तबीयत खराब हो रही है ना शाम से मेरा 1% का मन नहीं कर रहा मैं जैद के पास बैठू, बस मैं जैद के पास गई थी उसको सुलाने के लिए, वो सो गया तो मैं चीकू को छोड़ा हुआ, चीकू जैद के पास बैठा हुआ है, और मैं कभी दीपक को छोड़ती हूँ कभी लक्ष्य को छोड़ती हूँ, क्योंकि ना ये चीजें सारी मैं फेस कर चुकी हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि उसको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, और बंदा इस चीज में ना दवाई नहीं खा सकता किसी चीज, क्योंकि ये चीजें ऐसी हम दवाई खा के सही नहीं होगी, और बस यही है कि पायल के 6-7 दिन जो है ना वो खत्म हो जाए और सब कुछ सही सलामत हो जाए। मेरे साथ भी पायल सेम यही सब कुछ हो रहा था, जैसे तेरे को प्रेशर पड़ रहा है, मेरे गाइस 9th मंथ जब स्टार्ट हुआ था मैं 9वें महीने के 7वें दिन पे ज्यादा आ गया था, मेरा 9th मंथ स्टार्ट होते पैरों में सूजन यूरिन इतना पास होता था, मैं यहाँ पे सोती थी पायल के पास और मैं हर आधे 1 घंटे में उठती थी, याद है, और लास्ट के 6 दिन ना मेरे इतने बुरे गए ना गाइस, इतने बुरे गए शायद मुझे नहीं याद, मैंने ब्लॉग में बताया है नहीं बताया मुझे वो चीज का नहीं याद, बट मैं अब बता सकती हूँ, मैं लास्ट के दिनों में ना स्पोरोलैक एक दवाई है स्पोरोलैक डीएस करके, वो लूज मोशन रोकने की दवाई है, मैं वो दवाइयां खाती थी क्योंकि मैं जैसे ही टॉयलेट जाती थी ना उसी वक्त मेरा स्टूल पास होता था, मैं कुछ भी खाती थी स्टूल पास होता था, मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी अंदर से जैसे बिल्कुल ना डिहाइड्रेटेड, तो इसलिए मैंने अपना जो
डिलीवरी है ना जल्दी करवा ली थी क्योंकि पहले 13 तारीख थी, मैम ने वैसे 13 को ही बोला था, फिर मैंने 6 को करवा ली। जल्दी से खाना खा ले, सुबह जाना है स्कूल और सुबह नहा के जाना पड़ेगा, तेल वेल सब लगा हुआ बेटा, 2 दिन से नहाया नहीं है गाइस, ये 2 दिन से नहीं नहाया, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, इस लड़के पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इसने भी ना पूरा रूटीन खराब कर रखा है, ना खाने का रूटीन है ना नहाने का रूटीन है इसका। मिल गई टी शर्ट? हाँ बाबू मिल गई, तुम लोगों ने क्या किया हुआ था देख, देख मैचिंग है ना इसमें, जेब्रा बना देख जेब्रा की, वो नीचे की बॉटम मिल रही है, वो बॉटम्स मैं बताती हूँ तुम लोगों ने क्या कही है ना, कि किसी और के साथ है ये बॉटम्स, अभी समझ नहीं आ रहा किसके साथ बॉटम्स है, तो कोई बात नहीं, एक ये भी सेट मिला है बहुत क्यूट है, ये भी ऐड कर लिया ठीक है। तो मैंने सारे कपड़े ना गाइस मैं इसके अलमारी रोज अच्छे सेट कर देती हूँ, क्योंकि आने वाले 3 बेबीज हो जाएंगे हमारे, तो यार लक्ष्य मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या है, इसके साथ जीन थे शायद, जीन की निक्कर थी। अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक, लक्ष्य मैंने पहनाई थी ना जैद की टी शर्ट, ये चीकू का है देख कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा है ना, मैं सोचू कर इसके साथ ऐसे पहनाऊ है ना अच्छा लगेगा ना। तो गाइस माँ को कितनी होती है ना, मैं इसके कपड़े रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ, इसके नाना जी आ रहे थे घर पे, मैंने रात को ही डिसाइड कर लेते मैं इसको आज ये वाले कपड़े पहनाऊंगी, तो अभी इसको पहनाए हैं, तो थोड़ी देर में उठता है ना तो फिर मैं इसको नाइट सूट पहनाऊंगी, मैं इसको नाइट सूट भी रात को अलग से पहनाती हूँ कि इसको लगे कम्फर्टेबल, तो बस का वेट कर रही हूँ कि उठे, तब तक मैं थोड़ा बहुत तो काम है वो कर रही हूँ। इस दोपहर को मैं सो रहा था, पायल और गोलू ने मुझे उठाया नहीं, बहुत सारी चीजें झगड़ा हुआ घर में इस बात को लेके, ये थोड़ी है कि मैं सोता रहूँ पीछे से कुछ भी होता रहे, मैं बहुत ही बीच में से टाइम निकाल कर सो रहा हूँ, चीजें हैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रखी है, चीजें हैं काम है ब्लॉग है, तो सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए ब्लॉग बंद कर दूँ और प्रॉपर पायल का ध्यान रखूँ सोना वोना छोड़ के, अभी लग रहा है मुझे ऑक्सीजन लेके आनी पड़ेगी क्योंकि ना पायल को थोड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है ना, ऑक्सीजन लग रहा है सिलेंडर मेरे हॉस्पिटल में जाने का मन नहीं है, अभी आठवें का एक हफ्ता रह गया गुड्डू, मैं अभी नहीं हॉस्पिटल एडमिट हो सकती, अभी 9वां लगा भी नहीं है, 9वां लगते करा दूंगा फिर प्रेगनेंसी, याद रखना मत करना इतने स्ट्रेस क्यों ले रही है, 8वें के बाद हो जाती है भाई प्रेगनेंसी ठीक है, पर 8वां तो पूरा हो जाए, कितने दिन पड़े 8वें के, 8वें के पड़े 8 दिन, बस ऊपर वाले से दुआ करो कि 8 दिन बहुत अच्छे से निकल जाए लड़की के, बस यही है क्या बोले, सारे दिन घर पे रहते कहीं जाते नहीं है, बस यही लाइफ चल रही है आजकल ज्यादातर, तो पायल की हालत को देख के थोड़ा सा मूड खराब रहता है मेरा। हाँ। कुछ खाना है नहीं, सांस नहीं ले जाती, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन आता घर पे? हाँ। ले आओ, ले आओ। कहाँ से मिलेगा? हॉस्पिटल से। चल मैं जाके आता हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ, नमस्कार बाय बाय अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखो। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं।